नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन और सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम झरोखा में हफ्ते भर की हर उस खबर पर आपको हम रूबरू करवाएंगे जो कि आपके हित से जुड़ी है। सरकार ने एक सप्ताह में किन योजनाओं को शुरू किया, हर जानकारी हम आपको देंगे। सोमवार को सीएम मनोहर लाल ने अल्पसंख्यक मोर्चा के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम ने हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नारे पर जोर देते हुए कहा कि प्रदेश में हमें अमन चैन और भाईचारे के साथ मिलकर रहना है, एक दूसरे की मदद और उनके रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे, तभी सभ्य समाज की परिकल्पना साकार होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी इसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रही है। सीएम ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की अति पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष नजर है, ऐसे क्षेत्रों में विकास के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर किया जाएगा। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश में उर्दू भाषा पढ़ाने के लिए जल्द ही योजना बनेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी गांव में विकास संबंधी समस्या के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पर गाँव की समस्याओं को सीधे जिला प्रशासन तक पहुँचाया जा सकता है। सरकार अब इसी तर्ज पर नगर दर्शन पोर्टल भी तैयार करेगी जो शहरी क्षेत्र के विकास संबंधी समस्याओं के लिए होगा। इसके साथ ही सीएम ने अल्पसंख्यक मोर्चा के सभी पदाधिकारियों का आह्वान किया कि वे अपने आसपास के सभी लोगों का परिवार पहचान पत्र के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं। गरीबों की भलाई में अभी तक जो ध्यान में आया है कि बहुत सी योजनाएं, बहुत सी स्कीम, चाहे वो मरकज सरकार की हों चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हों, वो जमीन आती हैं योजनाएँ, आगे कुछ तो उसका लाभ उठा लेते हैं, कुछ लोगों को पता ही नहीं लगता क्या योजनाएं हैं। तो ऐसी सब योजनाओं को लाभ सबको मिले, उसके घर तक वो योजना पहुंचे, इसके लिए एक स्कीम हमने बनाई है जो परिवार पहचान पत्र, यानी अभी तक तो व्यक्ति का आधार कार्ड बनता है आदमी का अपना इंडिविजुअल, तो जो इंडिविजुअल आधार कार्ड से आदमी जो अपना कोई काम उसे करा सकता है, अब परिवार में फैमिली में किस चीज़ की कमी है, कोई रोज़गार है कि नहीं है, कोई उसकी आमदन कितनी है, वो क्या काम करता है, उसके जो मेम्बरान हैं परिवार के वो क्या क्या उसकी पढ़ाई की हुई है, जो छोटी उम्र के बच्चे हैं वो स्कूल में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, तो ऐसे सब चीज़ों का उसमें लेखा जोखा एक परिवार का फैमिली आईडी के नाते से होगा। ऐसी लगभग 64 लाख परिवार उसमें रजिस्ट्रेशन हो गई है, लेकिन हो सकता है हमारे आसपास के लोगों में कुछ लोगों ने परिवार पहचान पत्र ना बनवाया हो। हम जो यहाँ बैठे हैं, हमारा किस किस का परिवार पहचान पत्र बना हुआ है? बहुत अच्छा, हम सब जागरूक, सबका बना हुआ है। तो ये सबका बने, खास करके जो गरीब आदमी हैं उनका ज़रूर बने, क्योंकि सारी स्कीमें गरीबों की इसके माध्यम से मिलेंगी। जिसका परिवार पहचान पत्र नहीं होगा उसको कोई स्कीम का फ़ायदा, न सेंटर की स्कीम का, न स्टेट की स्कीम का, वो नहीं मिल पाएगा। इसीलिए सबके परिवार पहचान पत्र बनवाने, एक दूसरा उनकी जो आमदन है, फैमिली की इनकम है, उसको हम वेरीफाई कराएंगे। फिर जिनकी इनकम 50,000 रुपया साल से कम है, फैमिली इनकम, पहले उनके लिए रोज़गार कारोबार, परिवार में कम से कम एक आदमी कारोबार वाला लग जाए, ताकि वो कहीं ना कहीं 50,000 क्या होता, 4,000 रुपये महीना, 4,000 महीने वाला आदमी अपना गुजारा बसर नहीं कर सकता, तो कम से कम 1.5 लाख 2 लाख तक पहुँच जाए, फिर वो 15-20 हज़ार महीने की इनकम उसकी होती है, तब वो जाकर अपने घर का गुजारा ठीक कर सकता है। तो हम इनको सबको काम लगाने वाले हैं। सोमवार को फरीदाबाद में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई, जिसमें उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने करीब 20 मामलों पर सुनवाई की, जिनमें से 15 मामलों को सुलझा दिया गया और 5 मामले कार्रवाई के लिए आगे बढ़ गए। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि बिल्डर्स के निवेशकों के साथ धोखाधड़ी का मामला पिछले 4 साल से चला आ रहा था, जिसमें अब 250 करोड़ रुपये की राशि निवेशकों को दिलाई गई है और उन्होंने ग्रीवेंस कमेटी के अंदर आकर संतुष्टि जाहिर की है। इसके अलावा 7 परियोजनाओं का भी शुभारंभ डिप्टी सीएम ने किया, जिससे फरीदाबाद के कई विधानसभा क्षेत्रों में लोगों को राहत मिलेगी। पहले तो 18 अलग अलग ग्रीवेंस हमारे पास थी, जिनके ऊपर एक एक करके सुनवाई करी, कई प्रार्थी नहीं भी आ पाए, उनको भी हमने प्रयास कर रिजॉल्व करवाने का काम किया। एक जो सबसे लंबी पेंडिंग समस्या यहाँ थी, जिसको 4 साल से निरंतर ग्रीवेंस पे हैंडल किया जा रहा था, मुझे खुशी होती है बताते हुए कि 4 साल बाद प्रार्थियों को उनका पैसा भी वापस मिला और उन्हें अपनी सेटिस्फेक्शन दिखाने का काम।
एक ऐसा केस और था जहाँ एक लेडी के स्टैम्प पेपर अधिकारियों द्वारा घुमा दिए गए थे टाइम एक्सपायर होने के बाद, उस पर भी ये निर्णय लिया गया है कि उसकी स्टैम्प की जो वैल्यू है उसको रिफंड हम करने का काम करें। यह एक कॉलोनी की पानी की समस्या थी, नेक्स्ट ग्रीवंस तक डे टू डे मॉनिटरिंग करी जाएगी और उसको पर्याप्त मात्रा में पानी पहुँचाने की व्यवस्था बनाई जाएगी। अलग अलग विभागों की संबंधित समस्या थी और मुझे विश्वास है कि जितने प्रार्थी आए वो सेटिस्फाइड भी रहे हैं और उनकी समस्याओं को रिजॉल्व करवाया जाएगा। एक्सेप्ट एक जो समस्या दिल्ली की कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी की है, उसके अंदर हमारी आईएएस गरिमा मित्तल है डेडिकेटेडली, अब उनको इसके अंदर जिम्मेवारी दी जाएगी कि वो इसको पर्सनली पूरे को मॉनिटर करे और इसकी रिपोर्ट अगली ग्रीवेंस तक देने का काम करे। साथ में 7 अलग अलग प्रोजेक्ट्स थे जिनका आज या तो नींव पत्थर रखा गया है या शुभारम्भ किया गया है, जो फरीदाबाद के विकास के लिए डेडिकेटेडली यूटिलाइज आने वाले दिनों में होंगे या आज से होना शुरू। मंगलवार को प्रदेश के सीएम मनोहर लाल दिल्ली पहुंचकर एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान इस बैठक में कई राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में तय हुआ कि तमाम राज्य अपने अपने एनसीआर के इलाकों को लेकर एक कंबाइंड प्रपोजल देंगे जिससे 2041 के लिए एनसीआर मास्टर प्लान बनाया जा सके। तो जैसा आपको बताया कि एनसीआर एरिया, उसमें हरियाणा का बहुत बड़ा पोर्शन आता है, हरियाणा स्टेट का लगभग 56% एरिया उसमें आता है, तो उसकी प्लानिंग के लिए समय समय पर मीटिंग होती है हर 3 महीने बाद। तो आज की मीटिंग में जो 2041 का रीजनल प्लान बनना है उसके बारे में विचार विमर्श था। काफ़ी सुझाव अलग अलग प्रदेशों के आए, उसमें राजस्थान के लोग भी थे, दिल्ली के लोग भी थे, उसमें उत्तर प्रदेश के भी थे, हम भी थे, तो सबने अपने सुझाव दिए हैं। उन सुझावों के अनुसार जो सहमति बनेगी वैसा एक ड्राफ्ट प्लान 2041 तैयार होगी और उसके लिए हमारे जिम्मे भी लगा है। कुछ सुझाव हमने एनसीजेड एरिया को लेकर के हरियाणा के लोगों को कहा गया कि उसके कुछ सुझाव दें, वो 7 दिन में या 10 दिन में अपने सुझाव भेजेंगे और जल्दी एक ड्राफ्ट प्लान तैयार करके फिर पब्लिक किया जाएगा ताकि उसके ऊपर जो सहमति बनेगी वो 2041 का जो ड्राफ्ट प्लान है वो तैयार करके दिया जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वेस्ट वाटर को दोबारा इस्तेमाल करने को लेकर समीक्षा बैठक की। मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने कहा कि आने वाले वक्त में जल संकट को देखते हुए जहां जहां पर शोधित किए गए जल का उपयोग किया जा सकता है वहां पर ज्यादा मात्रा में इसका उपयोग करने के लिए योजना बनाकर काम करें। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों के अधिकारियों की इस विषय पर स्पेशल बैठक बुलाकर काम को सिरे से चढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शोधित जल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए एक अथॉरिटी तय की जानी चाहिए ताकि योजना को सही तरीके से लागू किया जा सके। यह अथॉरिटी ही सभी संबंधित विभागों के साथ तालमेल बनाकर योजना को आगे बढ़ाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पावर प्लांट में इस्तेमाल किए जाने के लिए शोधित जल की आपूर्ति की जानी चाहिए। इसके लिए जो भी आवश्यक तकनीक या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना हो उसके लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। इससे भविष्य के लिए पीने योग्य पानी की अधिक से अधिक बचत हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां जहां औद्योगिक क्लस्टर हैं वहां पर उद्योगों में इस्तेमाल के लिए शोधित जल की आपूर्ति की जानी चाहिए। इसके अलावा भवन निर्माण साइटों पर भी शोधित जल का इस्तेमाल किए जाने की आवश्यकता है। बुधवार को दिल्ली के दौरे के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। सीएम मनोहर लाल ने मुलाकात के बारे में बताते हुए कहा कि बैठक में हिसार एयरपोर्ट और हरियाणा सिविल एविएशन यूनिवर्सिटी पर चर्चा की गई। साथ ही गुरुग्राम को हेली हब बनाने पर भी सहमति बनी। बैठक के दौरान उड़ानों की संख्या बढ़ाने के लिए वेट चार्जेस कम करने पर भी सहमति बनी। वहीं पंचकुला के मोरनी में जल्द ड्रोन फेस्टिवल आयोजित करने की बात कही। इसके अलावा करनाल के रनवे में सुधार और ड्रोन स्कूल और सैटेलाइट सेंटर बनाने पर भी चर्चा की गई। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक से जुड़े। सिंधिया जी से हमारी मीटिंग हुई जिसके अंदर सिविल एविएशन से जुड़े हुए हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उस पर चर्चा हुई। विशेष तौर पर हिसार का एयरपोर्ट है, गुड़गांव में हेली हब है, करनाल एयरपोर्ट है, अम्बाला एयरपोर्ट है,
और जो पायलट ट्रेनिंग स्कूल भिवानी नारनौल, इस प्रकार कई विषयों पर चर्चा हुई। हमने उनको निमंत्रण भी दिया कि वो भिवानी का जो हमारा जो पायलट ट्रेनिंग स्कूल शुरू करना है उसको आंखों की रोशनी करें। सब विषय बहुत ही अच्छे प्रकार से हुए। वैट के लिए उनकी ओर से प्रपोजल था कि इसको हम लोग वैट की दरें घटाएं। सिविल एविएशन के लिए हमने मान लिया कि 1% जो है 20% की बजाय 1% वैट की दर जो है वो निश्चित की जाएगी हरियाणा में। गुड़गांव में हेलीपैड बनाने के लिए भी लैंड का प्रपोजल उन्होंने मांगा है, हम बहुत जल्दी उसको बदल देंगे। दिल्ली एयरपोर्ट के बहुत बनेगा तो इंटरसिटी और इंट्रासिटी हेलीकॉप्टर्स की जो उतरने की सुविधा है वो एक प्रकार से एयरपोर्ट को भी सपोर्ट करेगी और जनता के भी लाभदायक होगा। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इसी कड़ी में रेवाड़ी के माजरा में प्रस्तावित एम्स परियोजना के निर्माण से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुधवार को चंडीगढ़ में एक संयुक्त बैठक हुई जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल मौजूद रहे। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों और परियोजना के लिए जमीन उपलब्ध कराने वाले किसानों के प्रतिनिधिमंडल भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को किसानों की जमीन के लिए भुगतान प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही परियोजना से जुड़े और कामों को लेकर किसानों को आपस में सहमति से आगे की प्रक्रिया शुरू करने के लिए भी कहा गया है। मुख्यमंत्री ने बैठक में पहुंचे किसानों के प्रतिनिधिमंडल की बातों को ध्यान से सुना और परियोजना से जुड़े सभी पहलुओं पर मंथन किया। संगठन विस्तार को लेकर पंचकुला में बीजेपी का महामंथन हुआ। बीजेपी प्रांत परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश के सरकार के 7 साल के 7 कमाल भी गिनवाए गए। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि ये बैठक तब हो रही है जब भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसके अलावा ओपी धनखड़ ने कहा कि संगठन का विस्तार अहम है और आगे भी विस्तार करना जारी रहेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने संगठन के कार्यक्रमों की जानकारी दी। चूंकि हमारे 7 साल में बहुत सी उपलब्धियां हैं लेकिन उसमें 7 मुख्य हमारे जो बिंदु जो एक ऐसे वर्ग हैं जिनकी सहयोग सहायता के लिए हमने विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाकर का काम किया है। महिलाओं के लिए किया, किसानों के लिए किया, युवाओं के लिए किया, तो ऐसे उसमें एक 7 का अर्थ ये है कि 7 साल में 7 विषय रखे जाएँ। लेकिन हमारी जितनी भी उपलब्धियाँ हैं उन सब को लेकर के हमने कार्यकर्ताओं को जानकारी दी है। उनको हमारा जो 25 दिन का कार्यकाल बीता है उसमें जो पत्रक दिया है उनको छपा हुआ, जो 6 से दूसरे टर्म की 600 दिन की उपलब्धियां वो भी उनको पहले से दी हैं जिसकी जानकारी आपको पहले से दी थी। और हम आगे 27 अक्टूबर को प्रदेश के 7,10,000 परिवारों में 71,000 कार्यकर्ता, क्योंकि आपको 71 का महत्व पता है, हमारे नरेंद्र मोदी जी जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं उनके 71 71 का वो पहले 70,000 रखा था, 71,000 कर दिया है, 7 लाख की बजाय 7,10,000 कर दिया है। तो ये एक योजना 27 अक्टूबर की एक ही दिन में हमारे जो त्रिदेव एक योजना है पार्टी की, वो सब मिल करके घर घर जाएंगे और एक पत्रक दे करके और उनको संपर्क करेंगे, हमारा जो बेस है उसे और बढ़ाएंगे। शनिवार को गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक ली। बैठक में 17 समस्याओं पर सुनवाई की गई। सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 16 कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन दिलाने के लिए नीति बनाई गई। साथ ही सखतपुर गांव में रोड पर हो रहे अवैध निर्माण को तुरंत हटाने के आदेश दिए गए हैं। सीएम ने कहा कि सभी कॉलोनियों में विकास कार्यों को पूरा कराया जाएगा। बैठक के दौरान सीएम मनोहर लाल एक्शन में नजर आए। बैठक में नहीं पहुंचे जिला खेल अधिकारी को सीएम ने सस्पेंड कर दिया। 17 एजेंडे तो लिखित रूप से थे, उसके अलावा भी लगभग 10 लोगों ने जो ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर हैं उन्होंने भी कुछ कंप्लेंट्स रखी थी, उन सबके जो जो समाधान हो सकते थे वो समाधान तुरंत किए हैं। कुछ विषय ऐसे हैं जो नीति निर्धारण के हैं वो हमने चंडीगढ़ के लिए लिख लिए हैं, चंडीगढ़ बैठक पर उनसे वो सारी चीज़ों का निर्धारण कराएंगे। और मुख्य बातें जो आज हुई हैं उसके अंदर एक तो पावर कनेक्शन जिन कॉलोनियों के पीछे काट दिए गए थे, टेम्परेरी कनेक्शन थे, जिन बिल्डर्स ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया था, पैसे जमा नहीं कराए थे, ऐसे लोगों को के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। हमने डिपार्टमेंट में बैठ करके विचार बनाया है कि पॉलिसी एक बनाई जाएगी, उस पॉलिसी में जिन कंज्यूमर्स ने पैसे जमा करा दिए बिल्डर्स को वहाँ सबको कनेक्शन दिए जाएंगे और बिल्डर्स से पैसा लेने का जो कार्रवाई है वो सब करेंगे।
और जहां कंज्यूमर्स ने पैसे भी नहीं दिए हैं वहां भी काम को शुरू करके कंज्यूमर से पैसे ले करके और सीधा जो है डिपार्टमेंट उनको बिजली कनेक्शन देगा। ये बहुत जल्दी एक पॉलिसी आ जाएगी। सब लोग इस विषय से लगभग 16 रिहायशी कॉलोनियाँ ये हैं तो वहाँ के लोग प्रसन्न थे इस बात से। सिकंदरपुर ड्रेन उसका पानी जो है सेक्टर 84 में जा रहा था तो वहाँ MCG, MCM और GMDA मिल करके जो कमिश्नर MCG हैं उनकी देखरेख में और एक उस काम को उस पानी को रोक करके या उसकी प्रोसेस करके काम को सप्लाई करना है इसका समाधान किया जाएगा। एक है पलड़ा से सकतपुर रोड, उस रोड पर अवैध निर्माण ये काफ़ी हो रहे हैं। अभी चूँकि वो सड़क प्रोविंशियल गवर्नमेंट की दिखाई गई है, किसी डिपार्टमेंट के नाम वो नहीं है, इसलिए उसका इंक्रोचमेंट को हटाने का काम किसी ने अपने जिम्मे नहीं लिया था, DC के जिम्मे लगाया गया है कि वो उसका अवैध निर्माण भी समाप्त कराएं और वो सड़क किसी एक डिपार्टमेंट को उसको एक प्रकार से अलॉट करा दें। DLF 3 का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरा करने के लिए जैसे कॉलोनीज MCG को दी जाती हैं उसके बाद उनको इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करना होता है, तो आज शिकायत DLF 3 की थी, उनको कहा गया कि 31 दिसंबर तक अपना वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके हैंडओवर कर दें। और इस प्रकार की 14 और कॉलोनियां हैं जिन्होंने MCG में ट्रांसफ़र करने के लिए अप्लाई किया हुआ, उन सबकी टाइमलाइन तैयार करेंगे, डेफिशिएंसीज उनकी तय करेंगे और उसका जो एस्टीमेट है वो बना करके या तो वो खुद करके उसको डेफिशिएंसी को दूर करेंगे और नहीं तो पैसा MCG को देंगे और MCG उसको दूर करेगा। इसकी एक टाइमलाइन ये सब लोग DTP, MCG और DLF का ये करेंगे, बाकी सब DTP और MCG उन कॉलोनियों के साथ मिल करके और इसका काम पूरा कराएंगे। बसई चौक पर जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं वहाँ फ्लाईओवर हो रहा है तो वहाँ जो मास्टर ड्रेन डैमेज हो गई है उसको ठीक करने के लिए GMDA एक टाइमलाइन तैयार करेगा, कब तक उसको पूरा करेंगे और मैंने स्वयं उनको कहा कि कल सवेरे तक मुझे टाइमलाइन दे देंगे और उस टाइमलाइन के हिसाब से GMDA उस काम को पूरा कराएगा। एक स्पोर्ट्स के नाते से शिकायत आई थी लेकिन जब पूछा गया तो DSO आज एबसेंट था तो DSO को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया है, बिना सूचना के कोई भी व्यक्ति अधिकारी जो है इस मीटिंग से एब्सेंट नहीं रह सकता तो DSO गुरुग्राम को सस्पेंड कर दिया। गांव के लोगों को जरूरत की हर चीज गांव में उपलब्ध हो सके और ग्रामीण अंचल में रोजगार के नए अवसर पैदा हों इसके लिए सरकार ने हर हित स्टोर योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरुखनगर से 21 जिलों के लिए 71 स्टोर का उद्घाटन किया। बता दें कि हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से स्टोर खोले जा रहे हैं। प्रदेश भर में लगभग 2000 हर हित स्टोर खोलने की योजना है। ग्रामीण क्षेत्र में 1500 और शहरी क्षेत्र में 500 ऐसे स्टोर खोलने की योजना है। पेय पदार्थ को रखेंगे ही, वीटा के अलावा भी उसी प्रकार की और कंपनियों के भी खाद्य पदार्थ पेय पदार्थ रखेंगे ताकि लोगों को शुद्ध सर्टिफाइड गुणवत्ता परक ये सामान सब उपलब्ध हो। तो उसी का आज ये पहली कड़ी का ये कार्यक्रम हुआ है और जिन लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं खास करके जिनको एंटरप्रेन्योरशिप में अवसर मिला है बहुत प्रसन्न है। एक स्टोर पर 2 से 3 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा और अप्रत्यक्ष भी बहुत रोजगार इसमें मिलने वाला है, चीज़ों के उत्पादन में, चीज़ों के वितरण में, जो वेयर हाउसिंग स्टोर है उसके अंदर भी लोग काम करेंगे। तो ऐसा एक ऑनलाइन सिस्टम से इस कार्यक्रम को शुरू करवाया है और एक जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसके मुकाबले में ये हमारा कार्यक्रम सरकारी शुरू होगा। उसमें हमने डिपार्टमेंट को कहा है कि अपनी लेबोरेटरीज और सर्टिफिकेशन इसका शुरू करेंगे, हर एक की लेबोरेटरी में जाँच होगी, उसकी गुणवत्ता को रखा जाएगा और बाद में उसको सर्टिफाइड किया जाएगा, उन सब को इन सेंटर्स पर रखा जाएगा, कम कीमत पर वो दिए जा सकते हैं क्योंकि वो लघु उद्योग से जो मिल रहे हैं हमको उसमें बड़ी बड़ी कंपनियों के जो मुनाफे हैं वो उसमें से कम होंगे, जनता को ठीक चीज़ मिलेगी। तो MSME का और जो घरेलू उद्योग है उसमें से खास करके महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स उनको भी हमने कहा है कि कुछ उत्पादन उसके वो बनाए तो ये प्रक्रिया भी चालू। उनको बैंक से लोन लेके दे रहे हैं मुद्रा स्कीम के अंतर्गत और 1,00,000 रुपया उनको स्वयं को अपना लगाना है। सारी व्यवस्था सरकारी देखरेख में डिपार्टमेंट के अंतर्गत चल रही है, जो भी उनकी कठिनाई आएगी उसको हम दूर करेंगे। ये एक बिजनेस प्रोजेक्ट है इसलिए बिजनेस प्रोजेक्ट में जो खासकर गरीब परिवार हैं जैसे मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना के अंतर्गत जिनकी आय अपने स्वयं की बहुत कम है उनको अगर 1,00,000 रुपया वो अपने पास से नहीं लगा सकेंगे तो
तो उनको 1,00,000 रुपये देने की व्यवस्था सरकार करेगी और इनको इंटरेस्ट फ्री के नाम ने हाँ 2 साल के लिए इनका जो इंटरेस्ट है। तो फिलहाल हमारे खास प्रोग्राम झरोखा में अभी के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।